इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ नेहा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनवाई देने लगी है। जी हाँ, भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सातवें वेतनमान के एरियर को लेकर नाराज हो गए हैं और अब आंदोलन की तैयारी में है। डॉक्टरों ने चिकित्सा विभाग को एरियर भुगतान के लिए 27 मार्च तक का समय दिया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर भी जा सकते हैं। दरअसल गांधी मेडिकल कॉलेज में बीते 4 सालों से डॉक्टर की राहत एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। इन डॉक्टरों का अक्टूबर 2019 को जारी 7वें वेतनमान के एरियर का अभी बकाया है। हैरानी की बात तो ये है कि विदिशा मेडिकल कॉलेज के एरियर का भुगतान हो चुका है। वहीं कॉलेज में प्रतिवर्ष एरियर की राशि 18 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है, जो 4 साल से बढ़कर 72 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। बावजूद इसके अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते डॉक्टरों में भारी आक्रोश पनपने लगा है। चिकित्सकों का आरोप है कि भोपाल संभागायुक्त ने जीएमसी के डॉक्टरों का एरियर रोक रखा है। 4 साल से 7वें वेतनमान का एरियर न मिलने से डॉक्टरों में नाराजगी है। उन्होंने विभाग को एरियर भुगतान के लिए 27 मार्च तक का समय दिया है। इसके बाद 28 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें डॉक्टर्स हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हाल ही में हुई बैठक में इसकी रणनीति तैयार की गई है। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।